हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रा एजुकेशनल में। मित्रों, आज करंट अफेयर्स की सीरीज़ का एनालिसिस कर रहा था मैं, तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे लगी वो लोकसभा चुनाव 2019 लगी, और इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। आप चाहे कोई भी वन डे एग्ज़ाम ले लें, और स्पेशली हम फोकस करते हैं अपने टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर, तो चाहे आप केंद्रीय विद्यालय संगठन का ले लें, चाहे नवोदय विद्यालय, DSSSB, TGT, PGT और आने वाला सुपर TET आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोकसभा चुनाव 2019। तो आज बातचीत करेंगे इस वीडियो में लोकसभा चुनाव 2019 स्पेशल के बारे में, और इसमें हम लोग बातचीत करेंगे 20 प्रश्न। मैंने ऐसे 20 प्रश्न चुने हैं चाहे लोकसभा चुनाव से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कैबिनेट के नए नए जो अपॉइंट हुए हैं वो, और आपके प्रेजेंट टाइम में इम्पोर्टेंस जो है जो रिलेट करते हैं आपके भारतवर्ष से, जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, उन 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्न पक्के आएंगे आपकी परीक्षा में। तो इस 20 प्रश्नों को रट जाइए, घोंट जाइए, जैसे पी जाइए अंदर, ग्रैब कर लीजिए, मगअप कर लीजिए, लेकिन इसको भूलिएगा मत। तो इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप रा एजुकेशनल से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर हम फ्री में अपने सारे एग्ज़ाम के, चाहे आप CTET, UPTET कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पर फ्री में नोट्स, PDF, ऑडियो आर्टिकल्स, टैग्स, सारी चीज़ें हम अपडेट करते हैं। तो 2019 करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है लोकसभा चुनाव स्पेशल 2019। तो चलिए देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना मत भूलिएगा। मित्रों, आप लोगों के लिए सूचना, अगर रा एजुकेशन चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में, कोई भी रुपए नहीं लगेंगे आपके, और जितने वीडियोज़ आप देखा करिए कृपया उसको शेयर किया करिए। अगर आप UPTET, CTET, KVS, NVS, DSSSB, TGT, PGT, Super TET या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो आप सबसे बेस्ट जगह पे हैं। चैनल सब्सक्राइब करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और सारे प्लेलिस्ट क्रिएटेड हैं, आप उन सारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे आज 2019 में, एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में इसके बातचीत करेंगे। जैसे लोकसभा चुनाव के बारे में बातचीत करें तो लोकसभा चुनाव में स्पेशल क्या रहा है इस बार, तो ये 17th लोकसभा चुनाव थे, 17th लोकसभा है ये, और जो आपकी इस्टेब्लिश हुई है जितने भी, तो ये 17th लोकसभा के अंतर्गत आएगी, याद रखिएगा। ये 17th लोकसभा ये कहाँ, कब से कब तक चलेगी, तो ये 2019 से लेकर 2024 तक, यानी 5 सालों तक चलेगी। और इससे पहले 16th लोकसभा की बात की जाए तो 16th लोकसभा जो है जो थी वो आपकी 2014 से लेकर 2019 तक 5 सालों तक थी। अगर इसी में बात की जाए 16th लोकसभा की स्पीकर कौन थी, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपकी सुमित्रा महाजन जी 16th लोकसभा की स्पीकर थी, जो इंदौर से लोकसभा सीट से वो हर बार विजयी होती आई हैं। और अगर बात की जाए 17th लोकसभा की स्पीकर कौन है, तो ये आपके राजस्थान राज्य से बिड़ला जी हैं, और इस बार याद रखिएगा सुमित्रा महाजन जी नहीं, आपकी बिड़ला नए आपके स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। बात की जाए जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो इस समय कोई भी नहीं है। आगे बात की जाए तो 7 चरणों में टोटल चुनाव हुए थे, ये आपके जो इम्पोर्टेंट है आपके लोकसभा चुनाव से, जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, मैंने उन्हीं को समाहित किया है। बाकी की आपके इस डेट पर यहाँ हुआ तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कितने चरण में चुनाव हुए ये आपको याद रखना है। 7 चरणों में आपके चुनाव संपन्न हुए हैं। इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, टोटल लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए, 5, 4, 3 याद होना चाहिए, क्योंकि 543 सीटें टोटल होती हैं। लेकिन इस बार 17th लोकसभा में आपकी टोटल 542 सीटों पर ही आपके आम चुनाव हुए हैं, 543वीं सीट यानी एक सीट जो है आपकी वो कैंसिल कर दी गई लास्ट टाइम में, वो कौन सी, वो वेल्लोर सीट है जिसको कैंसिल कर दिया गया है। तो टोटल 542 सीटों पर नतीजे आए हैं, और इन नतीजों का परिणाम आपने देखा ही है, सबसे ज़्यादा कौन सी सीट जीती है आपकी पार्टी, तो आपकी BJP है, जो स्वयं 303 सीटों पर काबिज होकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है आज तक की। और विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो अपने आप को विपक्ष का टैग दे सके, अपने आप को नाम दे सके कि हम विपक्ष में बैठेंगे। जी हाँ, क्यों, क्योंकि विपक्ष में बैठने के लिए आपको कम से कम 55 सीटें चाहिए लोकसभा में, और 55 सीट पाने वाली कोई भी पार्टी नहीं है अगर देखा जाए तो, मोटे मोटे तौर पर।
आपकी 55 से कम सीट है, 52 सीट पर आपकी कांग्रेस है, कांग्रेस आपकी जो पार्टी है वो टोटल 52 सीट ही पा सकी है, 3 सीटें कम है विपक्ष में बैठने के लिए उसको। आगे बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर देख लीजिएगा और रट लीजिएगा PDF। हालांकि मैं प्रोवाइड तो कर ही दूंगा फ्री में आपको टेलीग्राम ग्रुप में। हाँ, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप प्रोवाइड कर दीजिए। मित्र, मैं लिंक तो प्रोवाइड कर दूंगा, इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, लेकिन वो लिंक कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल इशू आ जाती है, तो आप अपने टेलीग्राम ऐप में राय एजुकेशनल सर्च कर लीजिएगा, तो जो हमारा लोगो है RAI करके वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वोटिंग की बात की जाए तो 67.11% ऑफ वोट पड़े हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं उनकी अगर देखा जाए कंपैरिजन में तो 67.11% वोट पड़े हैं सबसे ज़्यादा, ये आपको समझना चाहिए, याद करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया BJP ने 330 सीटें जीती हैं, 303 टोटल BJP की सीट है और ये सबसे बड़ी पार्टी अभी तक की बनी है। मुख्य विपक्षी पार्टी की बात की जाए तो कोई भी नहीं है, 55 सीटें चाहिए विपक्ष पार्टी बनने के लिए और कांग्रेस के पास टोटल 52 सीटें ही है। बात की जाए कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य की हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आपकी उत्तर प्रदेश राज्य से आती हैं और टोटल कितनी सीटें हैं, टोटल 80 सीटें हैं। देखिए यहाँ पे तीन प्रश्न बन सकते हैं, सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य से आती हैं, उत्तर प्रदेश से, कितनी सीटें हैं, टोटल 80 सीटें हैं, ये प्रश्न जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बात की जाए नोटा, नोटा आप सभी पता है जब किसी को कोई भी उम्मीदवार उसको नहीं सही लगता तो लास्ट ऑप्शन नोटा रहता है, वहाँ पे वो यूज़ कर सकता है। लेकिन नोटा के बारे में विशेष बात करें, इसको राज्यसभा में जो भी वोटिंग होती है, जो भी राज्यसभा चुनाव जो होता है उसमें आप इसको नोटा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बहरहाल अगर लोकसभा 2019 के कंसीडर की बात की जाए तो नोटा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है बिहार राज्य में, टोटल 2.08% लोगों ने सबसे ज़्यादा नोटा का प्रयोग किया है बिहार राज्य से, तो ये फिगर आपको पता होना चाहिए। VVPAT के बारे में कई कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि VVPAT तो कॉमन जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके फुल फॉर्म को लेकर पूछा जाता है, तो VVPAT जो है इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल आपके VVPAT का फुल फॉर्म है। तो ये कुछ प्रश्न रहे आपके लोकसभा 2019 के चुनाव से रिलेटेड। अब बातचीत कर लेते हैं मंत्रिमंडल की, जो 2019 में लोकसभा गठित की गई, 17वीं लोकसभा, जिसके स्पीकर हैं बिड़ला जी, राजस्थान राज्य से आते हैं, तो उसमें नए नए लोग कौन कौन है ये जान लेना बहुत आवश्यक है। तो राष्ट्रपति आपके हैं, ये 14वें पर्सन हैं, रामनाथ कोविंद जी, ये भी याद रखिएगा, 14th हैं ये। उपराष्ट्रपति आपके वेंकैया नायडू जी हैं, 13th पर्सन है ये। और प्रधानमंत्री हैं आपके श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ये 15वें पर्सन हैं आपके कार्यकाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इन तीन प्रश्न के अलावा तीन और इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बनते हैं उसको मैं आप लोगों को बता दूँ। तो तीन प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं जो हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो ये नौसेना अध्यक्ष, आपके नौसेना अध्यक्ष कौन है इसमें, तो ये एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। और थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल विपिन रावत हैं। और वायुसेना अध्यक्ष हैं आपके एयर चीफ मार्शल VS धनुआ। इस चीज़ को याद करने की कोशिश पूरी कीजिएगा। अब बात करते हैं जो प्रमुख प्रमुख मंत्रिमंडल हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनकी बात की जाए तो यहाँ पे एक फ्लो में है, बहुत ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है, जो जिसके जिसके बारे में मैं बातचीत करूँगा उन्हीं के बारे में आपको याद रखना है। तो वर्तमान की बात की जाए तो वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण जी। गृह मंत्री की बात की जाए तो अमित शाह जी हैं गृह मंत्री। रक्षा मंत्री की बात की जाए तो राजनाथ सिंह जी हैं। विदेश मंत्री आपके S जयशंकर हैं। कौन है? S जयशंकर। खेल मंत्री आपके किरेन रिजिजू हैं। HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, उनके मंत्री आपके रमेश पोखरियाल जी हैं। रेल मंत्री आपके पीयूष गोयल जी हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। और पेट्रोलियम मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके मिनिस्ट्रियल की
मैं कह सकता हूँ कि इनको अगर आप याद किए हैं तो इन्हीं से प्रश्न बनते हैं, आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के पेपर्स उठा लेंगे। जब भी मिनिस्ट्री से कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात की गई है तो इन्हीं में से रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, कह सकते हैं कानून मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और पेट्रोल के दामों में ज़्यादा उठापटक की स्थिति देखने को मिलती है तो पेट्रोलियम मंत्री भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। एक चीज़ आपको लिए याद होना चाहिए जो स्टैटिक पोर्शन ऑफ जीके है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री की बात की जाए तो कहीं आप कुछ और मत लगा दीजिएगा, ये आपकी इंदिरा गांधी जी एक साल के लिए बनी थी जब वो खुद आपकी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने ये भी पोस्ट लिया हुआ था। लेकिन अगर पूरे तरीके से बात की जाए कि 5 वर्षों के लिए किसको दिया गया है ये पोस्ट वित्त मंत्री का, तो ये आपकी हो जाएंगी, कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पे हो जाएंगी आपकी निर्मला सीतारमण जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट, और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे इस एक वीडियो से। तो मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, PDF टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, और चैनल पे नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।